जस मानक ज्यादातर सॉन्ग्स गर्ल्स पे क्यों बनाते हैं, सो लेट्स फॉर वीडियो, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, सो बने रहिएगा फुल वीडियो तक। एंड अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू सो मच। सो जस मानक को तो आप लोग जानते होंगे, लाखों फैंस पेज है इनके हैं, इसके खुद के इंस्टाग्राम पे लगभग से 8.6 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एंड इसके जो फैंस फॉलोइंग है वो बहुत ही ज़्यादा फैंस पेज है। वहीं जो इनके सॉन्ग के ऊपर नज़र डाले तो सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स ओनली इन्होंने गर्ल्स पे बनाए, एक आध दो सॉन्ग्स ही होंगे जो कि गैंगस्टार एंड ऐसे बॉयज़ के लिए बनाए होंगे। बाकी जो भी सॉन्ग्स है वो लहंगा, पराठा, व्याह, गर्लफ्रेंड, तेरा मेरा व्याह, बटरफ्लाई, कई सारे हम सॉन्ग्स देखें तो ओनली ऑन गर्ल्स के लिए जस मानक ने सॉन्ग्स बनाई है। वो क्यों बनाई है, सो चलो मैं आपको बताता हूँ। सो जस मानक का जो सॉन्ग था पहले वाला, उसका नेम था यू टर्न, जो कि सक्सेस लाइफ को हमको दर्शाती है वो सॉन्ग। एंड सेकेंड जो सॉन्ग था वो था यू टर्न, जो कि ब्रोकन हार्ट वाली सॉन्ग थी, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगा। एंड वो गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए सेमरेली सॉन्ग था। फिर उनका जो नेक्स्ट सॉन्ग आया था वो था पराडा, जो कि गर्ल्स वाली थी। एंड जो आप उससे अपनी एक अलग सी फील देता था वो सॉन्ग। एंड इसकी जो मांग ही बहुत ही ज़्यादा थी, एंड उस सॉन्ग ने लगभग से अपने 2 साल के अंदर ही 500 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज क्रॉस कर लिया था। एंड उसके बाद उनका बॉस सॉन्ग है सूट पंजाबी, एंड सूट पंजाबी सॉन्ग रिलीज होते ही वो उस सॉन्ग ने भी बहुत ही तहलका मचाया, एंड 300 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज क्रॉस कर लिया। फिर उनका बॉस सॉन्ग का वीडियो रिलीज़ किया गया, जो कि काफ़ी मतलब 3 साल में 100 मिलियन व्यूज क्रॉस किया, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जस मानक पराठा एंड सूट पंजाबी जो कि काफ़ी अमेजिंग गया। एंड उसी बॉस सॉन्ग जो कि थोड़े बहुत गैंग स्टार वाले सॉन्ग थे, एंड उस वजह से उस पर ज़्यादातर जो उनके फैंस है वो तो गर्ल्स ज़्यादा है, एंड उसके जो सब फैंस है वो ज़्यादातर सॉन्ग लव रोमांटिक सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, तो वो गैंग स्टार वाले सॉन्ग तो सुनेंगे नहीं, एंड इसी वजह ऐसा होता है। एंड जस मानक को अपना कैटेगरी पता है कि हम किस कैसे सॉन्ग्स बनाएंगे तो कैसे हमको भी आएंगे। एंड जस मानक अपने जो भी एल्बम बनाते हैं लगभग से 9 सॉन्ग्स तो रोमांटिक लव वाली होती है, गर्ल्स लाइन वाली है। एंड जो एक या फिर 2 सॉन्ग्स होती है वो होती है गैंगस्टार या फिर ऐसे बॉयज़ के लिए। आपने देखा होगा जस मानक के लगभग से पूरे के पूरे सॉन्ग्स गर्ल्स पर डिपेंड है, कैटेगरी पे डिपेंड होता है कि आप किस तरह के सॉन्ग्स बनाते हैं। एंड अगर उस सॉन्ग को एंड आप उस कैटेगरी को जान सकोगे कि आपके फैंस किस तरह के सॉन्ग्स सुनना पसंद करती हैं, तो आप सुपर डुपर हिट तो हो ही जाओगे। एंड अगर गैंगस्टार वाले सॉन्ग्स पे बात की जाए तो सिद्धू मूसेवाला भाई जो कि गैंगस्टार सॉन्ग्स बनाते हैं, एंड उसके जो फैंस फॉलोइंग है वो ज़्यादातर बॉयज़ है, एंड वो शुरू से लेकर अभी तक वो गैंगस्टार ही सॉन्ग्स बना रहे हैं। एंड जो उसके फैंस पेज है वो ज़्यादातर फैंस पेज में बॉयज़ है, एंड काफ़ी उनकी बहुत ही हाई लेवल फैंस फॉलोइंग है। उसी तरह जस मानक की बात की जाए तो वो ऐसा ही जस मानक है, जो जस मानक अपने गर्ल्स वाली कैटेगरी में सॉन्ग्स बना रहे हैं। एंड अगर आप जस मानक के मोस्ट पॉपुलर 10 सॉन्ग्स देखेंगे उसमें तो लहंगा, पराठा, व्याह, गर्लफ्रेंड, इन सब सॉन्ग के अलावा आपको कोई भी सॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा। एंड आप सोच सकते हो कि जस मानक ने 3x3 एल्बम दिया जिसमें को आपको लगभग से 3 से 4 ही सॉन्ग आपको बॉयज़ वाले दिखे होंगे, बाकी जो सॉन्ग्स है वो ज़्यादातर लगभग से गर्ल्स के लिए ज़्यादा जस मानक ने बनाई है। एंड इंस्टाग्राम पे लगभग से उनको 70% से ज़्यादा गर्ल्स ने फॉलो किया हुआ है। एंड जस मानक की जो फेस है एंड उसकी जो हैंडसमपन है वो इस सॉन्ग से एंड इस कैटेगरी से सिमिलर है। एंड उसके जो फैंस है वो भी गर्ल्स है, एंड जस मानक बहुत ही क्यूट एंड हैंडसम है, एंड जो उनकी कैटेगरी है वो भी बहुत ही अच्छी है, गर्ल्स सॉन्ग्स बनाते हैं जस मानक। एंड बहुत ही ज़्यादा पंजाबी सिंगर्स भी गर्ल्स पे सॉन्ग्स बनाते हैं बट वो हिट नहीं होते हैं क्योंकि जो उनकी कैटेगरी है वो अलग अलग होती है। एंड जो जस मानक की एक ही कैटेगरी है गर्ल्स लाइन। एंड आप एक फ़नी मोमेंट आपको बताता हूँ, जस मानक की भले शादी ना हुई लेकिन जस मानक शादी के बाद क्या होता है वो सब कुछ उनको पता होता है, क्योंकि लहंगा या शॉपिंग ऐसे दुख भरी सॉन्ग्स जस मानक के ही नाम है। एंड इस सॉन्ग से जस मानक बहुत ही सुपर डुपर हिट सिंगर बने, एंड जो सॉन्ग्स है एब्सोल्युटली बहुत ही ज़्यादा मिलियन व्यूज क्रॉस किया है इन चारों सॉन्ग्स ने। तो थैंक यू सो मच। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि एक कैटेगरी पे काम करना या फिर उनके जो सिमिलैरिटी होती है कि आपका लुक कैसा है एंड आप सॉन्ग किस तरह बना रहे हैं एंड जो आपका मिलियन व्यूज किस से आ रहा है वो जस मानक ने देखा एंड उसके जरिए वो वर्क करते गए एंड आज इतने बड़े पंजाबी सिंगर्स हैं जस मानक।